नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की स्टोरी का टाइटल है द प्रॉमिस। प्रॉमिस यानी होता है वादा या फिर वचन। तो देखते हैं स्टोरी में क्या होता है, वादा या फिर वचन के ऊपर स्टोरी टाइटल क्यों रखा गया है और इससे हमें क्या सीख मिलती है। तो लेट नहीं करते हैं, शॉर्ट स्टोरी है, जल्दी से ट्रांसलेशन कर लेते हैं। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। लॉन्ग अगो, बहुत पहले, देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। देयर डमी वर्ड है, इसका हम ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। ही वॉज नोन ऑल ओवर फॉर हिज काइंड हार्ट। वह था, नोन यानी जाना जाता, तो ही वॉज नोन मतलब वह जाना जाता था। ऑल ओवर यानी सभी जगह, ठीक है, सभी जगह जाना जाता था। फॉर यानी के लिए, हिस यानी उसके, काइंड हार्ट यानी दयालु, ठीक है, दयालुता, दया की भावना को हम काइंड हार्ट बोलते हैं। तो अपने दयालुता के लिए, दयालु भावना के लिए सभी जगह जाना जाता था। वन डे, एक दिन, ही वॉज टेकिंग अराउंड ऑफ हिज किंगडम। वह, ठीक है, वॉज यानी था, टेकिंग यानी ले रहा था, ठीक है, ही वॉज टेकिंग यानी वह ले रहा था, यानी एक राउंड, राउंड यानी होता है दौरा, ठीक है, दौरा करना आप सभी पता है, घूमने जाना, दौरा करना, देखना क्या हो रहा है राज्य में हमारे, ये सबको दौरा बोलते हैं। तो एक बार वो राउंड ले रहा था, दौरा कर रहे थे, ऑफ हिज किंगडम, है ना, अपने राज्य के, अपने राज्य का दौरा कर रहे थे। फिर क्या हुआ देखिए, वाइल ऑन हिज राउंड, ठीक है, वाइल यानी दौरान, ऑन यानी पर, हिज राउंड यानी उसके दौरे के दौरान, ठीक है, उसके दौरे के दौरान, वाइल यानी होता है दौरान। क्या हुआ देखिए, ही केम अपॉन अ कपल, ठीक है, ही केम अपॉन यानी होता है मिलना, ठीक है, वह अचानक मिले या फिर वह मिले अ कपल यानी एक जोड़ी से, पति पत्नी को, है ना, एक जोड़ी से मिले। फिर क्या हुआ देखिए, द कपल वॉज वेरी सैड, कपल यानी जो जोड़ी थे, वॉज यानी थे, वेरी बहुत सैड यानी दुखी, बहुत दुखी थे। द किंग आस्क्ड द कपल, राजा ने पूछा, आस्क यानी पूछना, आस्क्ड पास्ट टेंस, राजा ने पूछा द कपल, जोड़ी से पूछा, क्या पूछा देखिए, वाई आर यू सो सैड, वाई यानी क्यों, आर यानी हो, यू यानी तुम, सो यानी बहुत, सैड यानी दुखी, तो तुम बहुत दुखी क्यों हो, या आप लोग बहुत दुखी क्यों हो। द कपल टोल्ड हिम, जोड़ी ने, टोल्ड यानी कहा, हिम यानी उससे, किसे, राजा से कहा, तो कपल टोल्ड हिम यानी जोड़ी ने उनसे कहा, ऐसे होगा, मतलब टेल का पास्ट टेंस टोल्ड हो जाता है। क्या कहा देखिए, वी आर सैड बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी चाइल्ड, हम हैं सैड यानी दुखी, हम दुखी हैं बिकॉज, क्योंकि वी यानी हम या फिर हमारे, ठीक है, डू नॉट यानी नहीं है, हैव यानी कुछ चीज़ होना, एनी चाइल्ड कोई बच्चा, हम दुखी हैं क्योंकि हमारा कोई बच्चा नहीं है। फिर क्या हुआ देखिए, द किंग फेल्ट वेरी सैड फॉर द कपल, ठीक है, राजा फेल्ट यानी हुए, ठीक है, कुछ चीज़ होने को हम फेल्ट बोलते, तो राजा को क्या लगा, फेल्ट यानी कुछ चीज़ लगना, कुछ चीज़ होना, तो हम लगा बोलेंगे, तो राजा को क्या लगा, वेरी सैड, बहुत बुरा लगा, राजा को बहुत बुरा लगा, फॉर यानी के लिए, द कपल जोड़ी के लिए, ठीक है, उस जोड़ी के लिए राजा को बहुत बुरा लगा। ही वेंट टू हिज पैलेस, वह गए, गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, वेंट यानी गए, वह गए टू हिज पैलेस, हिज यानी उसके, पैलेस यानी होती है, होता है राजमहल, ठीक है, महल को हम पैलेस बोलते हैं, वह अपने महल गया, हिज को हम अपने के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन हिज यानी उसके, ऐसे होता है, तो उसके महल गया। टुक हिज सन, टुक यानी लिया, ठीक है, हिज यानी उसके, सन यानी बेटा, ठीक है, अपने बेटे को लिया, फिर उसके बेटे को लिया, यानी राजा के बेटे को लिया। एंड गेव हिम, और दिया, गेव यानी दिया, गिव का पास्ट टेंस, गेव हिम यानी उसे, किसे दिया, टू द कपल, और उसे यानी उस बच्चे को दिया, टू द कपल, जोड़ी को दे दिया, घर गया और अपने बच्चे को उठा के उस जोड़ी को दे दिया, भाई दयालु हृदय के थे, लेकिन ऐसे तो शायद ही होगा ना, ये स्टोरी है तो चलिए मान लेते हैं, उसने अपने बच्चे को दे दिया। फिर क्या हुआ देखिए, द कपल वॉज वेरी हैप्पी टू हैव द चाइल्ड, ठीक है, तो जोड़ी वॉज यानी थे, वेरी यानी बहुत, हैप्पी यानी खुश, तो जोड़ी बहुत खुश थे, टू हैव यानी पाकर, ठीक है, मिलना, पाकर, तो टू हैव यानी कुछ चीज़ पाकर, क्या पाकर, द चाइल्ड, बच्चे को पाकर जोड़ी बहुत खुश थे। ही प्रोमिस्ड, तो उसने, ही यानी वह भी होता है, उसने भी होता है, किसने, राजा ने प्रोमिस्ड यानी वादा किया या फिर वचन दिया द कपल, जोड़ी को, दैट कि ही वुड नेवर आस्क फॉर हिज चाइल्ड, ही वुड नेवर, वह कभी नहीं, नेवर यानी कभी नहीं, नॉट यानी नहीं और नेवर यानी कभी नहीं, तो दोनों में ही अंतर है, तो ही वुड नेवर यानी वह कभी नहीं, क्या नहीं करेगा, आस्क यानी पूछना, ठीक है, तो वह कभी नहीं पूछेगा, तो हम पास्ट टेंस में कभी फ्यूचर टेंस वाली बात कहते हैं तो हम वुड का यूज़ करते हैं विल की जगह, तो ही वुड नेवर आस्क यानी वह कभी नहीं पूछेगा,
फॉर हिज चाइल्ड, अपने बच्चे के लिए, ठीक है, अपने बच्चे के लिए कभी नहीं पूछेगा, कभी मांग नहीं करेगा, ये बोल रहा है। फिर क्या हुआ देखिए, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द किंग स्टार्टेड मिसिंग हिज चाइल्ड, राजा ने शुरू किया, स्टार्टेड ने शुरू किया, मिसिंग मिस करना है ना, यानी कि उसे उससे दूर रहना है ना, तो उसे मिस करना बोलते हैं, तो उसे मिस करना, हिज चाइल्ड, अपने बच्चे को मिस करना शुरू कर दिया। भाई कोई चले आता तो मिस करते हैं ना, उसकी याद आती है तो याद करना शुरू कर दिया, ऐसे बोल सकते हैं। ही ग्रीव सैड, ठीक है, वे उदास हो गए, है ना, ग्रीव सैड यानी क्या होता है, उदास हो जाना, तो वह उदास हो गए। हिज मिनिस्टर सॉ दिस, उसके मंत्री, मिनिस्टर है मंत्री, सॉ यानी देखा, दिस यानी ये, है ना, ये देखा यानी ये जो उदास है उसे देखा, एंड और ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज यानी क्या होता है, उसका मतलब होता है आयोजन किया, ठीक है, आयोजन किया, अ स्वॉर्ड शो, एक तलवार का प्रदर्शन, ठीक है, जो तलवारबाजी दिखाते हैं, फिर तलवार का जो खेल दिखाते हैं, स्वॉर्ड शो बोलते हैं, फॉर हिम, उसके लिए, राजा के लिए तलवार, तलवार का एक शो क्या किया, आयोजन कर दिया कि चलिए राजा कम से कम खुश हो जाए, फिर दुखी है। इन द शो, ठीक है, शो में, शो यानी वो प्रदर्शन में जो भी हो रहा था वहाँ पे, अ मैन, एक आदमी, ठीक है, मैन यानी एक आदमी, और यही एम ई एन मैन होता तो बहुत सारे आदमी के लिए हम मैन का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो अ मैन, एक आदमी, और स्वालोड, ठीक है, स्वालोड यानी क्या होता है, निगलना, ठीक है, स्वालो यानी निगलना, तो स्वालोड यानी निगला, क्या निगला, स्वॉर्ड, तलवार को निगल लिया अंदर, देखिए तलवार निगलने वाला आप लोग बहुत बार देखे होंगे, है ना, कैसे निगलते, आप लोग कभी ट्राई ना करें, ये सभी टेक्निक रहते हैं और कभी भी ट्राई नहीं करना चाहिए, तो उसने क्या किया, तलवार निगला। फिर क्या हुआ, द किंग आज हिज मिनिस्टर, तो राजा ने पूछा, ठीक है, हिज मिनिस्टर अपने मंत्री से पूछा, क्या पूछा, देखिए, इज देयर एनी थिंग, इज यानी है देयर, ये केवल मैंने जो आपको बताया था ना, केवल क्या बोलना चाहिए, डमी वर्ड है, एनी थिंग है ना, तो कुछ है, ठीक है, कुछ है, मोर डिफिकल्ट यानी ज़्यादा कठिन, देन, देन यानी तुलना करते दो लोग का, किसका तुलना कर रहे हैं, स्वॉलोइंग स्वॉर्ड्स, ठीक है, तलवार को निगलना है ना, तलवार को निगलने से ज़्यादा कठिन कुछ है, ये पूछ रहे हैं, जो तलवार निगलते हैं उससे कठिन और कुछ चीज़ हो सकता है, तो बहुत कठिन चीज़ है, राजा बोल रहे हैं। तो मंत्री ने क्या कहा, इसका एंडिंग यहाँ पे होने वाला है, द मिनिस्टर रिप्लाइड, मंत्री ने जवाब दिया, अब ये देखिए, यही रिप्लाई, उसका रिप्लाई है, जवाब है, कीपिंग अ प्रॉमिस विदाउट रिग्रेटिंग, ठीक है, इट इज़ फार मोर डिफिकल्ट, कीपिंग अ प्रॉमिस, कीपिंग यानी रखकर, है ना, रखना, क्या रखना, अ प्रॉमिस, एक वादा को बनाए रखना, एक वादा को रखना, निभाना, विदाउट, बिना किसी, रिग्रेटिंग, तो रिग्रेटिंग का मतलब क्या होता है, पछतावा, बिना किसी पछतावे के वादे को रखना, ठीक है, इट इज़ फार मोर डिफिकल्ट, इट इज़, ये है, फार मोर यानि कहीं अधिक, फार कहीं, मोर अधिक, कहीं अधिक, डिफ़िकल्ट कठिन है, तो इसका पूरा मतलब क्या हुआ, आपको समझ आ गया कि भाई वादे को बनाए रखना बिना किसी पछतावे के, ये सबसे ज़्यादा, ये कहीं ज़्यादा मुश्किल है तलवार को निगलने से, यानी कि भाई आप क्या किए, आपने उसे दे तो दिया, वादा भी कर दिया कि कभी नहीं पूछूंगा, लेकिन आप क्या कर रहे हो, रिग्रेट कर रहे हो, आप पछता रहे हो, तो वही चीज़, प्रॉमिस कर दो और पछताना, तो बिना पछताए प्रॉमिस करना, वादे को निभाना सबसे ज़्यादा कठिन काम होता है, जो कि शायद ही हो सकेगा। द किंग अंडरस्टूड, राजा समझ चुके थे, ठीक है, राजा ने क्या किया, समझ गए, वॉट, क्या, द मिनिस्टर मेंट, मिनिस्टर मंत्री का मेंट, मेंट यानी होता है मतलब, ठीक है, कि मंत्री का मतलब क्या था, राजा समझ गए कि आखिर मंत्री क्या समझाना चाहते थे, कि भाई मैंने क्या किया, उस कपल को, जोड़ी को, बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे मैंने प्रॉमिस कर दिया, मैंने ये भी नहीं सोचा कि बाद में मुझे रिग्रेट करना पड़ेगा, पछतावा होगा, और मैंने जल्दबाजी में प्रॉमिस कर दिया। तो इससे हमें एक सीख क्या मिलती है, कभी भी किसी को प्रॉमिस करो, लेकिन बिना सोचे समझे ऐसी प्रॉमिस ना कर दो जिसे आप बाद में निभा ना सको, और निभाते भी हो यदि बाद में भविष्य में, तो आपको पछतावा नहीं होनी चाहिए, ऐसी प्रॉमिस करने की कोशिश कीजिए, आप जल्दबाजी में प्रॉमिस ना कीजिए, भाई एकदम तुरंत प्रॉमिस मत कीजिए, थोड़ा सोचिए कि इससे क्या आपको प्रभाव पड़ सकता है आपके लाइफ में, क्या इफेक्ट पड़ सकता है, उसके बाद आप ज़रूर प्रॉमिस कीजिए, प्रॉमिस करने अच्छी बात है, लेकिन सब चीज़ सोच समझ कर। तो ये थी आज की स्टोरी द प्रॉमिस, थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और पसंद आने पर चैनल को लाइक भी कीजिए, लिए आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन को दबाइए, ऑल को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली सभी ऐसी इंग्लिश की अच्छी अच्छी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इसका स्क्रीनशॉट मैं कम्युनिटी में दे दूंगा, इसके अलावा फेसबुक पेज में भी दे दूंगा, सॉरी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।